एक बार वापस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या था कि नील्स बोर के मॉडल की कुछ कमियां थी, तो नील्स बोर के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए, बड़े ही दानसु दानसु। एक तो था श्रोडिंगर, एक था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, डी ब्रॉगली ने अपना ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का प्रिंसिपल दिया। तो ये जो साइंटिस्ट लोग थे, इन्होंने मिलके एक मॉडल बनाया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इस मॉडल में क्या थी, वो सारी बातें थी जो एक एटम को एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए होती है, एटम को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए रहती है। तो क्या है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, जैसा कि हमने पढ़ा, मैं एक बार नोट्स ले लेता हूँ पिछली क्लास के, उनको रिकैप कर लेते हैं। तो ये थे नोट्स, है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें मैंने बताया कि श्रोडिंगर, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग ने दिया। क्वांटम का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा होता है उसे क्वांटम कहते हैं। और इस मॉडल में क्या किया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉन की जितनी भी एनर्जी या फिर उससे जो पोजिशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, उसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल में कैटेगराइज किया गया, और हर एक एनर्जी लेवल या पोजीशन के लिए एक नंबर डिफाइन किया गया। उस नंबर को क्वांटम नंबर बोला जाता है, क्वांटम संख्या बोला जाता है। और चार तरह की टोटल क्वांटम नंबर्स होती है, जिन क्वांटम नंबर्स की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या फिर उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो लास्ट क्लास में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने बताया कि इसमें जो वैल्यूज़ होती है उसको एन से इंडिकेट करते हैं, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से रहती है। और ये जो वैल्यूज़ होती है ये हमें शेल, इलेक्ट्रॉन की शेल में है उसके बारे में जानकारी देता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेल क्या होती है, एक ऑक्यूपाइड ज्योमेट्री होती है न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइक करता है। इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। जैसे एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो गया, तो जो शेल हो गए कौन कौन सी होगी, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो के एल एम एन इस तरह से ये शेल्स हो जाती है, एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। ओके, तो इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एनर्जी एंड पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऊर्जा और स्थिति के बारे में बताता है। फिर एजीमिथल क्वांटम नंबर, दूसरा द्विघंसी क्वांटम संख्या, इसमें जो एल की वैल्यूज आती है, एल क्या है, एजीमिथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है। एल की वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5 और n-1। n क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ से अपन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमिथल क्वांटम नंबर में रिलेशन पता लगता है, कि अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया जाए तो एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ क्या आएगी, 0, 1, 2, 3 से शुरू होगा और कहाँ तक काउंटिंग जाएगी, n-1 तक काउंटिंग काउंटिंग जाएगी। तो n-1 तक जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर n=1 है, तो एल की वैल्यू क्या है, कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू हुई, और n-1 यानी कि 1-1 0, यानी कि 0 से शुरू हुई और 0 पे ही ख़त्म हो गई। जो एल बराबर 0 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो शेल शेल के अंदर जो सब शेल होता है ना, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने तो शेल की जानकारी दी, फिर जो सब शेल होता है, सब शेल में एल बराबर 0 एस नाम का एक सब शेल होता है उसके बारे में जानकारी देता है। एन बराबर 2 अगर लिया, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो काउंटिंग कहाँ से, 0 से शुरू करनी है। तो एल की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, यानी कि एजीमथल क्वांटम नंबर कितना हो सकता है हमारा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो दो वैल्यूज़ पॉसिबल है यहाँ पे सब शेल की। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो शेल होता है, सब शेल होता है, वो तो होता है एस, एस सब सेल। फिर एल बराबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सब सेल है वो पी, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग सब सेल होता है वो डी, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सब सेल होता है वो होता है एफ, SPDF। ये बड़े बड़े सब सेल होते हैं, एस सब सेल, पी, डी और एफ। और इनका जो नाम है कहाँ से आया होता है, एस शार्प से, पी प्रिंसिपल से, डी डिफ्यूज से और एफ फंडामेंटल लाइन से। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे जब लाइंस देखी गई, तो उन लाइंस के अंदर स्टार्क और जब जीमान इफेक्ट आया था, तो उन लाइंस में, उन लाइंस के जो नाम थे वो कुछ ऐसे थे, कुछ लाइंस बहुत सी शार्प थी इनके लिए शार्प बोल दिया, कुछ लाइंस बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रही थी तो इनको प्रिंसिपल बोल दिया, कुछ लाइन डिफ्यूज थी यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, और एफ लाइंस यानी कि ये लाइंस बाद में एग्जिस्ट ही करती थी, इनके बाद में कोई दूसरी लाइन आ ही नहीं रही थी, तो इनको फंडामेंटल लाइंस बोला गया। तो ये इनके नाम थे, उन नाम के जो फर्स्ट लेटर्स थे उनसे SPDF सबशेल डिफाइन की गई,
जीरो वन टू थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे एन बराबर थ्री पे आप देखिए, एन बराबर थ्री पे हमारी काउंटिंग कहाँ तक जा सकती है, एन माइनस वन यानी कि थ्री माइनस वन कितना हो गया, टू तक। कहाँ से काउंटिंग शुरू किया, जीरो से, तो जीरो वन टू यहाँ तक तीन वैल्यूज़ एल की पॉसिबल है। यानी कि अगर थर्ड सेप शैल होगा, देखो आप इसका मतलब समझिए, जो फर्स्ट सब सब फर्स्ट जो शैल होगा के, उस के शैल में केवल एस लाई करेगा, यानी कि जो एन बराबर वन है उसमें केवल एस होगा, तो यानी कि वन एस लाई करेगा। एन बराबर वन में कौन हो जाएगा, केवल एस रहेगा। एन बराबर टू यानी कि एल जो सब शैल है उसमें जीरो और वन यानी कि एस और पी होगा। एन बराबर थ्री में एम सब शैल में, एम शैल में जो सब सेल्स है वो कौन सी हो जाएगी, जीरो वन टू यानी कि एस पी डी, और एन बराबर फोर में आ जाएगा एस पी डी एंड एफ। तो इस तरह से एन की जो वैल्यूज़ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एजीमिथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यूज़ इस तरह से निकाली जाती है। ये हमें शैल के बारे में जानकारी देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एजीमिथल क्वांटम नंबर में जानकारी देता है सब सेल के बारे में। फिर हमने लिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल, चुंबकीय क्वांटम संख्या एम क्यू एन भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, सब शैल के अंदर भी जो ऑर्बिटल्स होती है ना, ये ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है। पहले तो शैल, फिर सब शैल, और फिर होता है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिलती है। अब ऑर्बिटल्स जो है उनकी संख्या निकालनी है कि किसी एक एल के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 2l+1। और उनके लिए जो काउंटिंग है वो कहाँ से कहाँ चलती है, माइनस एल से प्लस एल चलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एल बराबर जीरो है, तो उसके लिए नंबर ऑफ एम एल की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, जीरो यहाँ पे रखा तो 2 × 0 यानी कि 0 + 1 यानी कि 1 हो गया, तो एम एल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसके लिए एल बराबर जीरो के लिए एम एल कितना हो गया, 1 हो गया। अगर एल बराबर 1 लें तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो जाएगी 2 × 1 + 1, क्योंकि 2l+1 वैल्यूज़ होती है एम एल की, तो 3 वैल्यूज़ हो जाएगी। काउंटिंग माइनस एल से प्लस एल चलती है, तो माइनस एल यानी कि -1, फिर 0, फिर +1, -1, 0 और 1। जैसे एल बराबर 1 किस सब सेल को कहते हैं, पी को कहते हैं, तो पी के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगी उनको क्या बोलेंगे, पी एक्स बोलेंगे, पी वाई बोलेंगे और पी जेड बोलेंगे। तो सब सेल जो है, पी सब सेल जो है, उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन सी हो गई, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल्स हो गई। जैसे एल बराबर टू लिया, तो एल बराबर टू के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो हो जाएगी 2l+1 यानी कि 2 × 2 + 1 यानी कि 5। तो 5 वैल्यूज, माइनस एल से प्लस वन एल जाएंगे तो -2, -1, 0, +1, +2। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आई ये 5d। देखो एल बराबर टू कहाँ पे था, डी क्या था, तो डी सब शैल के अंदर जो ऑर्बिटल्स आएगी 5, उनको क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पी का मीनिंग देखो क्या होता है, ये पी एस पी डी एफ ये मीनिंग्स क्या होते हैं, इनको और अच्छे से एलोब्रेट करते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहता है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी है। सबसे पहले शैल आता है, फिर सब शैल आता है, फिर ऑर्बिटल आता है, और फिर ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है एटम्स का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। तो ये तीन क्वांटम नंबर अभी हमने पढ़े, मैं इनको और ज़्यादा अच्छे से एलोब्रेट करता हूँ। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है सबसे ज़्यादा पाए जाने की, उस पोजीशन को अपन ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसको और अच्छे से एलोब्रेट करते हुए मैं इसको और बताता हूँ। जैसे क्या पढ़ा अभी तक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो तो देता है शैल के बारे में जानकारी, है ना। सबसे पहले आता है हमारा एन, एन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें किससे जानकारी मिलती है, शैल के बारे में। ठीक है, ये हमें जानकारी देता है शैल यानी कि कोश, ये हमें जानकारी देगा कोश के बारे में, पहली बात तो ये। ठीक है, जैसे एन बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो एन बराबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग के एल एम एन ये जानकारी हमें मिलेगी, है ना। जैसे एन बराबर 1 है, एन बराबर 2 है, एन बराबर 3 है, एन बराबर 4 है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा के शैल, के एल एम और एन, ये शैल्स हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद में, जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो होता है एजीमिथल क्वांटम नंबर एल। अब एल को निकाला कैसे जाता है, एल को निकालने के लिए एल की जो वैल्यूज़ हैं,
एल कहाँ से कहाँ तक होता है, एल की काउंटिंग जीरो से शुरू करनी है और कहाँ तक जाना है, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, मान लो जीरो से शुरू हुआ वन, फिर टू, फिर एन सो ऑन, हमें एन माइनस वन तक जाना है। एन क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। जैसे एन बराबर वन लिया, मैं के शेल की बात करता हूँ, के शेल एन बराबर वन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे देखो तो वन में से वन गया जीरो, तो यहाँ पे एल की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है एल बराबर जीरो ही पॉसिबल है। अगर मैं एन बराबर टू लेता हूँ तो टू कौन सा हो गया, एल शेल हो गया, के बाद एल आता है, तो एन बराबर टू की कॉरस्पॉन्डिंग जो शेल हुई वो कौन सी हो गई, एल शेल हो गई। और यहाँ पे टू रखा तो टू माइनस वन गया तो वन बचा, यानी कि एल की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, जीरो वैल्यू पॉसिबल है और वन वैल्यू पॉसिबल है। तो जो एल शेल है उसमें जो सब शेल होगी, ये देगा हमें किसके बारे में जानकारी, सब शेल के बारे में, सब शेल हिंदी में इसको बोलेंगे उपकोश, ठीक है। शेल के अंदर सब शेल, तो एन बराबर वन के शेल के अंदर एल बराबर जीरो सब शेल हो गई, फिर एन बराबर टू में एल बराबर जीरो और वन वाली सब शेल हो गई, एन बराबर थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग के एल और ई हो गया एम शेल। तो यहाँ पे जो एल की वैल्यूज होगी, देखो तीन पॉसिबल होगी, एक तो पॉसिबल हो जाएगी जीरो, एक हो जाएगी वन और एक हो जाएगी टू। क्यों? क्योंकि एल की वैल्यूज़ क्या होती है, जीरो से एन माइनस वन तक जाती है, थ्री को रखा यहाँ पे, थ्री में से वन गया टू, तो एल की वैल्यूज़ कौन कौन सी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, वन आ जाएगी और टू आ जाएगी। और इसी तरह से एन बराबर अगर फोर करें तो के एल एम और एन तक जाए हम, तो एन जो शेल है उसमें देखो सब शेल कौन कौन सी है, यहाँ पे फोर रखा तो ये थ्री आ गया, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, जीरो वन टू थ्री, तो यहाँ तक हमारी सब शेल आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि एल की वैल्यू अगर जीरो हो तो उससे जो सब शेल आती है वो एस आती है, एल बराबर वन हो तो जो सब शेल होती है वो पी सब शेल होती है, एल बराबर टू हो तो पी के बाद में एस पी डी सब शेल आती है, और एल बराबर थ्री के केस में एफ सब शेल आती है। तो ये चीज़ हमन को ध्यान में रखनी है कि एल बराबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में एस पी डी एफ सब शेल होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल और यहाँ पे सब शेल, ठीक है, जीरो वन टू और थ्री, तो यहाँ पे तो एस हो जाएगी, यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे एफ हो जाएगा। और वैसे फोर फाइव सिक्स जाते हैं अगर, तो वहाँ पे फिर अल्फ़ाबेटिकली जाते हैं स्मॉल लेटर से, फोर के कॉरस्पॉन्डिंग जी, फिर फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग एच। लेकिन अपना जो सिलेबस है, सिलेबस में अपन को केवल तीन तक ही जाना है, फोर फाइव सिक्स सेवन आगे नहीं जाना। तो यहाँ पे एस पी डी एफ ये सब शेल आती है, जीरो वन टू थ्री फोर के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल जो होगी जो न्यूक्लियस के सबसे पास में है, शेल क्या होती है देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में जो स्फेरिकल एक आवरण है उसको क्या बोलेंगे, शेल बोलेंगे। तो के शेल जो है वो सबसे पास में है न्यूक्लियस के, जो के शेल है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में है, तो उस के शेल के अंदर एल बराबर जीरो वाला सब शेल होगा, यानी कि यहाँ पे कौन लाई करेगा, केवल एस लाई करेगा, उसको क्या बोलेंगे, वन एस केवल बोल देंगे, ठीक है। जो एन बराबर वन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो के होगा, उस के शेल में एल बराबर जीरो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वन एस बोलेंगे। एन बराबर टू में जो सेकंड सेल होगी, यानी कि देखो ये न्यूक्लियस है, मेरा वीडियो देखना, मेरा पिक्चर देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर फर्स्ट सेल, फिर फर्स्ट सेल के बाद में सेकंड सेल, तो उस सेकंड सेल के अंदर जो और आपके सब सेल होंगे एन बराबर टू के कॉरस्पॉन्डिंग, एक तो एल बराबर जीरो, एक एल बराबर वन, तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग तो होता है एस और वन के कॉरस्पॉन्डिंग होता है पी, होता है। और एन बराबर यहाँ पे टू है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे टू एस और इसको लिख देंगे टू पी। तो यहाँ पे पहले तो वन एस आ गया फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में क्या आ जाएगा, टू एस और टू पी आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड सेल में यहाँ पे एस भी आ जाएगा, पी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा, तो एस आ जाएगा, पी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा, लेकिन ये थर्ड सेल के अंदर है, इसके लिए इनको बोलेंगे थ्री एस थ्री पी थ्री डी, इनको क्या बोलेंगे, थ्री एस थ्री पी एंड थ्री डी बोलेंगे। एन बराबर फोर के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो वन टू थ्री फोर आया, तो एस भी आ जाएगा इस बार, पी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा और एफ आ जाएगा, लेकिन ये फोर्थ सब सेल, फोर्थ सेल में है, तो फोर एस फोर पी फोर डी और फोर एफ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो
एजिमेथल क्वांटम नंबर होता है एल, उनकी वैल्यूज़ के बारे में हमने देखा। ठीक है, इसको देखो और अच्छे से समझिए इलोबरेट करते हुए। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर मैं मान लो ऐसे आपको शेल ले लेता हूँ, जैसे ये के शेल है, ये के बाद में एल शेल हो गई, के एल फिर एम, है ना, यहाँ पे इस तरह से शेल हो गई। तो जो आपका ये शेल है, ये तो देखो एक फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो ये एन बराबर वन हो गया मान लो, ये एन बराबर टू हो गया, ये एन बराबर थ्री हो गया। तो इनमें जो शेल पाई जाने वाली है कैसे पाई जाएगी, जो एन बराबर वन है उसमें तो केवल सब शेल होगी, केवल वन एस, शेल के अंदर भी सब शेल, है ना, जैसे घर के अंदर कमरा होता है ना वैसे ही, ये घर हो गया शेल, घर के अंदर जो कमरा है कितना है, केवल एक ही कमरा है, जिसको क्या बोलेंगे, वन एस बोलेंगे। अब सेकंड सेल जो है उसमें क्या क्या मौजूद है, 2s मौजूद है और 2p मौजूद है, इसमें दो तरह के कमरे मौजूद है, एक तो 2s वाले कमरे और एक 2p वाले कमरे, ठीक है, या फिर अपन फ्लोर देख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे जो घर है वो घर है वो कौन सा है, 1s घर है, सेकंड फ्लोर पे जो घर है वो कौन सा है, 2s और 2p है, जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पे घर कौन सा है, 3s है, 3p है और 3d है, यहाँ से आप देख सकते हो। और इसी तरह से जो फोर्थ फ्लोर है ना, फोर्थ फ्लोर ऐसे, ये मान लो फोर्थ फ्लोर है, तो इस फोर्थ फ्लोर में जो घर होंगे, घर किस तरह के होंगे, 4s हो जाएंगे, 4p हो जाएंगे, 4d हो जाएंगे और 4f हो जाएंगे, ये कहाँ पे होंगे, n बराबर 4 में हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह से 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 3d फिर 4s 4p 4d 4f, तो ये शेल हो गई, के एल एम, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया और एन हो गया, ठीक है, और ये हो गया सब शेल, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। अब ये हो गया n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l हो गया हमारा एजीमिथल क्वांटम नंबर। जो नेक्स्ट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, है ना, ये ml पढ़ रहे थे, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ml की वैल्यूज होती है, देखो ml वैल्यूज, तो नंबर ऑफ ml वैल्यूज जो है वो आती है नंबर ऑफ ml वैल्यूज, ये आती है 2l प्लस 1 वाले फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ml की संख्याएं आती है, ml के मान की संख्या, mn के मान की संख्या, है ना, ml की वैल्यूज नहीं, ये केवल नंबर ऑफ ml वैल्यूज देता है, कितनी, 12 प्लस 1। और ml से जो जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है, ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना, गिव्स ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, जैसे कोई घर है, पहले तो अपन फ्लोर पे गए, फ्लोर पे गए घर, घर के अंदर हो गया कमरा, तो ऑर्बिटल्स जो होंगे, ऑर्बिटल्स क्योंकि देखो अपन लोग किस में रहते हैं, कमरों में रहते हैं ना, तो ये कक्षक के बारे में जानकारी देता है, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है जो सब शेल के अंदर होगा। देखो पहले तो आ गई शेल, शेल के अंदर आ गया सब शेल, ठीक है, सब शेल, या फिर मैं देखो इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, मैं क्यूब लेता हूँ मान लो, ये तो हो गया शेल बड़ा वाला, अब एक और इसके अंदर क्यूब ले लिया मान लो छोटा, ये हो गया सब शेल, ठीक है, ये हो गया सब शेल, और सब शेल के अंदर भी छोटा सा और एक ले लेता हूँ, ये हो जाएगा ऑर्बिटल, ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। जैसे ये तो हो गया शेल, इस शेल के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सब शेल हो सकते हैं, जैसे एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, तो ये हो गया सब शेल, शेल के अंदर होता है सब शेल और सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिट, ऑर्बिटल, कक्षक, है ना, ये तो है कोश, फिर ये होता है उपकोश, और उपकोश में क्या होता है, कक्षक होता है, ऑर्बिटल होता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब ऑर्बिटल की जानकारी अपन को कैसे मिलेगी, ml की वैल्यूज से मिलेगी, और ml के जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो तो होता है 12 प्लस 1, और वैल्यूज ऑफ ml अगर देखें, वैल्यूज ऑफ ml तो ये कहां से कहां तक चलता है, माइनस l से प्लस l तक चलता है, माइनस l से प्लस l तक चलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर l बराबर अगर 0 ले, L बराबर अगर 1 लें, L बराबर अगर 2 लें, L बराबर अगर 3 लें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ml की वैल्यूज़ है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, जीरो माइनस L से प्लस L, तो L 0 है तो 0 से 0 ही गया, माइनस 0 से 0 यानी 0 ही हो गया, 1 से अगर L L 1 है तो L 1 है तो माइनस 1 से प्लस 1 यानी कि हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 1, 2 है तो माइनस 2 से प्लस 2 यानी कि माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2,
थ्री है तो माइनस थ्री से प्लस थ्री यानी माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे थ्री रखा तो तीन दूनी छः और एक सात, सात वैल्यूज़ हो गई, सात वैल्यूज़ एक दो तीन चार पाँच छः सात। टू रखा तो टू इंटू टू प्लस वन यानी कि फाइव वैल्यूज़ यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव वैल्यूज़ हो गई। वन रखा तो थ्री वैल्यूज़ यानी कि माइनस वन जीरो वन, ये थ्री वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, अब एल बराबर जीरो लिया था वो तो कौन था, एस सब सेल था। एल बराबर वन कौन सा था, पी सब सेल था। एल बराबर टू डी सब सेल था, और एल बराबर थ्री क्या था, एफ सब सेल था। तो इन सेल के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स आ गई। एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल को अपन ने जीरो से इंडिकेट कर दिया। पी के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होंगी, है ना। ये जो पी सब सेल है, मान लो कोई पी सब सेल हो जाएगा, जैसे मैं एस सब सेल को तो ऐसे बना सकता हूँ, जैसे एस सब सेल है तो ये तो हो गया ऐसे, ठीक है। लेकिन पी सब सेल को ऐसे बना सकते हैं कि इसमें तीन फर्दर और क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। और डी को थोड़ा और बता सकते हैं कि इसमें पांच नए ऑर्बिटल्स हैं। और एफ में देखो, एफ में अगर देखो तो एक दो तीन चार पाँच छः सात नए ऑर्बिटल्स हैं, है ना। तो मैं एफ को ऐसे बना सकता हूँ, ये एफ के लिए हो गया, ठीक है। जैसे ये तो हो गया मान लो एस के लिए, तो एस में तो एक ही हो गया खाली। पी में तीन नए ऑर्बिटल्स हो गए, तो तीन नए ऑर्बिटल्स को ऐसे दिखा सकते हैं, एक ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल और तीन ऑर्बिटल, तो वन टू थ्री। और जो डी है, डी की अगर बात करें तो डी में देखो पांच ऑर्बिटल्स हैं, तो पांच को ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, पांच बॉक्स बना लेंगे, एक दो तीन चार एंड पांच, एक दो तीन चार पांच, ये पांच ऑर्बिटल्स हो गए डी के अंदर। और एफ के अंदर सेवन ऑर्बिटल्स हैं, तो एक दो तीन चार पांच छः और सात, ये सात ऑर्बिटल हो गए एफ के अंदर, ठीक है। तो जो एम एल है वो हमें किसके बारे में जानकारी देता है, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है जो सब शेल के अंदर होते हैं, एस के अंदर जीरो, पी के अंदर तीन, डी के अंदर पाँच और एफ के अंदर सात। अब देखो यहाँ पे एस के अंदर जो जीरो होता है उसका नाम केवल अपन सीधा एस ही रखते हैं और कोई नाम नहीं, क्योंकि एक ही है। पी के अंदर तीन है, तो ये तीनों क्या होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होता है, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग। पी के अंदर जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तीनों ऑर्बिटल्स अलग अलग एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड रहते हैं। तो इसको तो बोल देते हैं पी एक्स, इसको बोल देते हैं पी वाई और इसको बोल देते हैं पी जेड, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट जो तीन डायरेक्शंस होती है हमारी एक्स वाई जेड, उसके अलोंग ओरिएंटेड रहते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। और इनकी स्ट्रक्चर जो है अपन एक बार क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद में मैं आपको पी एक्स पी वाई पी जेड की स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि इनकी शेप कैसी होती है। डी के अंदर जो पांच होते हैं, पांच में देखो कैसे कैसे होते हैं, एक तो होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एक तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तो हो गया दोनों एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो है वो एक्स वाई हो गया, वाई और जेड के बीच में जो है वो वाई जेड हो गया, जो जेड और एक्स के बीच में है वो जेड एक्स हो गया। और एक और होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स उस एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दोनों पे डबल डम्बल शेप होती है, अपन समझेंगे इसको। और जेड एक्सिस पे जो केवल जेड एक्सिस के अलोंग है उसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। तो ये डी के पांच हो जाते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड एस, है ना। जैसे ये एस हो गया तो एस का तो केवल एस ही रहा, यहाँ पे ये हो जाएगा पी एक्स, इसको बोल देंगे पी एक्स, ये हो जाएगा पी वाई और ये हो जाएगा पी जेड, और ये हो जाएंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पांच इनके नाम हो गए। तो आपको ये जो ऑर्बिटल्स है एक्स पी एक्स पी वाई पी जेड और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, आपको ये डी के और पी के इन्हीं ऑर्बिटल्स के नाम ध्यान में रखने हैं। एफ के ये जो सात ऑर्बिटल्स हैं इनके नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको अपन नहीं लेंगे, नॉट इन सिलेबस, इनका नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, ठीक है। केवल अपन को पी के ऑर्बिटल्स और डी के ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी रखनी है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल्स एक्चुअल में होते क्या है, ऑर्बिटल्स एक तरह से हो गए कमरे, जैसे ये तो हो गया बिल्डिंग, बिल्डिंग पे हो गया बिल्डिंग का ये हो गया फ्लोर, फ्लोर तो है शेल, सब शेल हो गया आपका फ्लैट, फ्लैट के अंदर जो कमरा है वो हो गया ऑर्बिटल। अब कमरे के अंदर अपन जब रहते हैं तो कमरे के अंदर जैसे मियाँ और बीबी दो जने रहते हैं, तो एक जो ऑर्बिटल है एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और कम से कम एक या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल के अंदर वो दो आते हैं, ऐसा पाया गया था।
तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिट, वन ऑर्बिटल इज टू, ऑर्बिटल इज टू। तो एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो होते हैं, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो होते हैं। जैसे ये एक एस ऑर्बिटल है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हैं अपन इसको और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर सकते हैं, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होते हैं, ये अपन फोर्थ क्वांटम नंबर में समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है ना। एक तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा एक ऑर्बिटल के अंदर। अब पी है, पी में तीन ऑर्बिटल है, तो एक में तो क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। जैसे डी है, डी में पांच तो क्लॉकवाइज हो जाएंगे ऐसे, और पांच दूसरे क्या हो गए? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ के अंदर भी ऐसे ही होगा, पांच तो हो जाएंगे क्लॉकवाइज वाले ऐसे, और पांच हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। ओके, तो एफ के अंदर ये पांच सात जो है, देखो अब देखो एस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो एस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? एक और दो इलेक्ट्रॉन। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैं यहाँ पे सब शेल लिख देता हूँ, सब शेल, और सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। जैसे सब शेल हो गई हमारी एस पी डी और एफ, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस में आ सकते हैं, तो एस के अंदर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो एस के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे। पी के अंदर देखो तीन ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में दो आते हैं, तो पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? छः इलेक्ट्रॉन भर सकते हो पी के अंदर, दो दो चार दो छः। डी के अंदर क्योंकि पाँच ऑर्बिटल्स आते हैं तो पाँच दूनी दस, यानी कि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है डी के अंदर। इसी तरह से एफ जो है, एफ के अंदर देखो सात ऑर्बिटल्स है, 7 दूनी 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम एफ के अंदर भर सकते हैं। तो एस सब शेल के अंदर दो, पी के अंदर छः, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीएक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो पीएक्स के अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। पीएक्स के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पीएक्स इज 2, बट इन पी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो ML की वैल्यूज है ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देती है। ये हो गया ML। ओके, सर, हाँ बोलो। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये बताना एक बार। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पे आते हैं, तो फोर्थ जो क्वांटम नंबर था ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, ये चौथी क्वांटम नंबर होती है, चक्रण क्वांटम संख्या। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है इसको अपन इंडिकेट करते हैं एस से, एन एस से। ठीक है, एन एस। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल के अंदर, जो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अलग अलग होगा। एक का अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये मान लो इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, तो ये इलेक्ट्रॉन या तो इस तरह से रोटेट कर सकता है या फिर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर सकता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दो तरह से स्पिन कर सकता है ना। स्पिन का मतलब क्या हो गया? अपने एक्सिस के ऊपर रोटेशन। तो यहाँ पे दो तरह के रोटेशन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के, एक तो ऑन इट्स ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो देर आर टू स्पिन्स आर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। जैसे अर्थ है, तो अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर तो निकाल रही है, लेकिन साथ साथ में क्या कर रही है? वो अपने अपनी एक्सिस पे भी तो रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर तो मान लो घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी एक्सिस के ऊपर भी स्पिन करेगा। तो इस पे दो तरह के स्पिन पॉसिबल है, एक तो क्लॉकवाइज और एक
एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी के उल्टी दिशा में, और ये हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, है ना, घड़ी जैसे ऐसे चलती है ना, टिक 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 ऐसे, ये तो गया क्लॉकवाइज, और घड़ी उल्टी चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है तो क्लॉकवाइज स्पिन, और इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है उल्टा तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है कि इन वन ऑर्बिटल देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, देर एग्जिस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, तो एक कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका चक्रण जो है वो अपोजिट होगा, विपरीत होगा, अपोजिट स्पिन, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। एक कक्षक में विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक का स्पिन तो क्या होता है क्लॉकवाइज, और दूसरे का होगा एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिनोट करने के लिए क्लॉकवाइज को प्लस हाफ अगर आप बोलते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पे माइनस हाफ बोला जाता है, यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एन एस की वैल्यूज होगी, जो क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए प्लस हाफ अगर बोलते हो तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ वैल्यूज दी जाती है क्वांटम नंबर में, है ना। इनका देखो एम उससे कोई रिलेशन नहीं है, एन का एल से और एम एल से, इन तीनों उन तीनों का तो आपस में रिलेशन था, यहाँ पे एन और फिर एल और फिर एम, इनमें तो आपस में रिलेशन है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर इसका कोई रिलेशन नहीं, इसकी दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैन इधर स्पिन, इलेक्ट्रॉन कैन इधर स्पिन स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर दीज स्पिन प्लस माइनस हाफ क्वांटम नंबर्स आर असाइंड, क्वांटम नंबर्स आर असाइंड, ठीक है। आर गिवन ऐसे लिख देते हैं, आर गिवन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में, या फिर मैं इसको हिंदी में भी क्लॉकवाइज लिख देता हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर सकता है या घूर्णन करता है, ऐसे भी बोल सकते हो, घूर्णन करता है जिसके अनुरूप प्लस माइनस हाफ क्वांटम संख्या दी जाती है, क्वांटम संख्या दी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दो क्वांटम नंबर्स देते हैं, प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए दे सकते हैं और माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज के लिए दे सकते हैं। हालांकि ये कोई रूल नहीं है कि क्लॉकवाइज को प्लस हाफ दिया, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ दिया, आप किसी एक को प्लस हाफ दो और किसी एक को माइनस हाफ दो, ठीक है, ये ध्यान में रखना कि अगर क्लॉकवाइज को प्लस हाफ दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ देना होगा, ठीक है। तो ये चार क्वांटम नंबर हो गए, पहले शेल, फिर उसके अंदर सब शेल, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का हो जाएगा। शेल में तो कौन सी, के एल एम एन हो गई, फिर सब शेल में एस पी डी एफ हो गया, फिर ऑर्बिटल्स के अंदर एस के अंदर तो एस ही रही, पी के अंदर पी एक्स पी वाई पी जेड हो गया, डी के अंदर डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हो गया, तो ये पांच ऑर्बिटल हो गई डी के अंदर, और एफ के अंदर भी सात ऑर्बिटल्स हो गई, और हर ऑर्बिटल में क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एस के अंदर तो दो ही रहे, पी के अंदर छः रहे, डी के अंदर 10 रहे, और एफ के अंदर यहाँ पे हो गए हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। ये भी टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसके बारे में ध्यान में रखना है ना। हमें पता होना चाहिए किस किस सब सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आप ध्यान में रखना। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, सब सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं जिनको मैंने और इलोबरेट करके आपको समझाया। अब देखो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपसे पूछ लिया जाए कि एन बराबर 5 ये कौन सी शैल है, एक तो ये शैल तो हो जाएगी आपकी के एल एम एन ओ, तो इसको बोलेंगे ओ शैल है ना। अब ये तो हो गई ओ शैल, इस ओ शैल के अंदर सब शैल कौन कौन सी हो जाएगी। एन बराबर 5 है तो सब शैल के लिए अपन को एल निकालना होता है, एल की वैल्यूज होती है 0 से चल के कहाँ तक जाना है हमें, 5-1 यानी कि 4 तक जाना है, तो 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब उन सब सेल के नाम क्या होंगे, एस हो जाएगा, पी हो जाएगा, डी हो जाएगा और एफ हो जाएगा। यहाँ तक तो मैंने बताया, बाद वाले जो नाम है कैसे लिखने हैं, जी एफ एफ जी एच आई जे के एल एन एम ऐसे लिखने हैं, तो एस पी डी एफ जी, ये क्या हो गया इसके अंदर सब सेल हो गई। आई बात समझ में, तो ये आ गया सब सेल। तो नंबर ऑफ सब सेल एन बराबर 5 में कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सब सेल पॉसिबल है। अब आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए अपन एम एल निकालेंगे। तो एम एल कैसे निकालेंगे, हर एक के लिए देखो एम एल कैसे आता है, हर एक एल की वैल्यू के लिए एम एल आता है। ठीक है, जैसे एस है तो एस के लिए एम एल कौन सा हो जाएगा, केवल एक ही हो जाएगा, एस हो जाएगा, लेकिन पी के लिए 3 हो जाएंगे है ना, क्यों, क्योंकि एम एल की वैल्यू जो आती है वो आती है 12+1 से। तो 0 रखा तो केवल एक ही आया ऑर्बिटल, 2 1 रखा तो 3 ऑर्बिटल्स आ गए, 2 रखा तो 5 ऑर्बिटल्स आ गए, 3 रखा तो यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स आ गए, 4 रखा तो यहाँ पे 4 × 2 = 8 और 1 9 ऑर्बिटल्स आ गए है ना। जी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेता कि जो ओ शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ये आपसे मान लो सवाल होता कि ओ शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब यहाँ से देखो 1, 3, 5, 7, 9 इतनी ऑर्बिटल्स हैं एल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं ऑर्बिटल देखूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कि ओ शेल जो है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर देखें तो कितनी हो जाएगी, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 3 24, 24 और 1 25, तो 25 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दुगने होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किसके अंदर, ओ शेल के अंदर। तो ये चीज़ ऐसे अपन निकाल सकते हैं कि अगर आपको कोई भी शेल दे दी जाए कि मान लो एन बराबर 5 है, एन बराबर 7 है, एन बराबर इस तरह से, तो उसके अंदर अगर शेल निकालना है, शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 5 के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन आ गए, या फिर आप सीधा इसको कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n² है ना। इस फॉर्मूले से भी आप सीधा किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, जैसे 5वीं सेल है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 = 50 सीधा आ गया। ये भी तरीका है, इससे आप इलोबरेट करते हुए पूरी तरह से हर चीज़ को ब्रेक करते हुए निकाल सकते हो, और ये तरीका है सीधा फॉर्मूले का जिसमें 2n² का यूज़ करना है। तो ये दोनों तरीके सही हैं, इन दोनों तरीक़ों से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज वैसे क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे कल, आज के लिए इतना ही।